पूजा गुप्ता मुंबई यूनिवर्सिटी अप्लाइंग यूनिवर्सिटी कैसे काम करती है कॉलेजेस uh, कैसे सिलेक्ट करने हैं क्या क्राइटेरिया होता है एंड एवरीथिंग दैट यू मस्ट नो मतलब अगर आप इंटरनेट पे जाओगे तो आपको इतना कुछ मिलता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यू you नो know, ये सारी चीजें क्या है बट हर आई बी क्वाइट प्रिसाइस अबाउट द इन्फॉर्मेशन दैट आई इट टू यू बिकॉज उतना ही आपको जानना है बाकी का चिट्ठा जानने की जरूरत नहीं है पहली बात मुंबई यूनिवर्सिटीज विच इज अफिलड विध मुंबई यूनिवर्सिटी और अगर हम कोर्सेज की बात करें तो देर इज बैचलर मास्टर्स पी एच डी देफिकेट कोर्सेज देर इज डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज एवरी थिंग इज अवेलेबल इन मुंबई यूनिवर्सिटी And if you talk about the courses which Mumbai University is well known for is the btech course, BCOM, BA, BMM, uh, which is now known as BAMMC, BMS, and all the other self-finance courses like BAF and BBI. Uh, now, these are the courses which is uh, quite trending in the market because students want to opt for more self-finance courses compared to the traditional courses. ंग अबाउट द इम्पॉर्टेंट डेट जैसे ही आपके ट्वेल्थ के एग्जाम खत्म हो जाते हैं या फिर आपका ग्रेजुएशन uh, का एग्जाम खत्म हो जाता है एंड ऑब्वियसली यूर ग्रेजुएशन का जो फाइनल सेम है वो खत्म हो जाएगा मैक्स टू मैक्स बाई फर्स्ट वीक ऑफ मे आफ्टर दैट वट है मुंबई यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएशन के फॉर्म्स है वो जुलाई एंड और ऑगस्ट तक आते हैं नाउ द प्री एनरोलमेंट फॉर्म जो की आपको मुंबई University पे जाके भरना पड़ता है। ये आप ध्यान में रखिएगा के दौरान कि से मुंबई यूनिवर्सिटी का application प्रोसेस बहुत ही डिफरेंट है कैप प्रोसेस जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में फॉलो होता है वेन यू टॉक अबाउट मुंबई यूनिवर्सिटी से कैप प्रोसेस बोला जाता है बट फॉलो नहीं होता है प्री एनरोलमेंट फॉर्म जो आप मुंबई यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे भरते हो वो फॉर्म सिर्फ और सिर्फ प्री एनरोलमेंट फॉर्म होता है एंड आप जाके कॉलेजेस सेलेक्ट करते हो दैट विच ऑल कॉलेजेस प्रेफरेंस वाइज आपने सेलेक्ट कर लिया बट दैट इज

वहां पे आपको पेमेंट लिंक आती है एंड एवरी कॉलेज का फॉर्म का इज डिफरेंट इट फ्रॉम टू तो आपको कॉलेज के वेबसाइट पे जाके पेमेंट करनी है दिस इज द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बैचलर्स डिग्री इन मुंबई यूनिवर्सिटी प्री एनरोलमेंट फॉर्म फिर कॉलेजेस के फॉर्म रिलीज होते हैं उनके वेबसाइट पे उसके बाद आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट सेकेंड मेरिट लिस्ट थर्ड मेरिट लिस्ट ऑफिशियल डेट्स पे जो मुंबई यूनिवर्सिटी ने दिया है वो डेट पे अनाउंस होता है अनऑफिशियली मतलब कि फिर कॉलेज अपने हिसाब से अपना लिस्ट निकालती रहती है जब तक उनकी सीट्स फिल नहीं हो जाती है नाउ दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जब ये चीजें होंगी तो आप जानते ही हो मेरे चैनल पर आपको सारी अपडेट्स मिल जाएगी एज इन वेन थिंग्स आर हैपनिंग सो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल राइट नाउ ओनली टू गेट दीज काइंड ऑफ अपडेट्स बिकॉज आपसे कुछ मिस ना हो जाए थैंकफुली आई हैव माई स्टूडेंट्स ऑल अक्रॉस मुंबई कॉलेज So, they will keep me updated with that. And yes, with their help, I will keep you guys posted with all this inside information. वॉट डॉक्यूमेंटेशन यू नीड इसका एक अलग से मेरे पास वीडियो बना हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी गो एंड वॉच दैट नाउ कमिंग टू द मास्टर्स एप्लीकेशन मास्टर्स एप्लीकेशन थोड़ा सा अलग है यहाँ पे प्री एनरोलमेंट फॉर्म ये सब नहीं है यू कैन डायरेक्टली अप्लाई टू द कॉलेज वेबसाइट फिर उसके बाद कॉलेज आपसे फॉर्म भरा के यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन दे देता है रही बात मास्टर्स प्रोग्राम की मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस विल हैव दोन एंट्रेंस एग्जाम सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट द बैचलर्स प्रोग्राम सेल्फ फाइनेंस कोर्सेस लाइक बी एम एम बी एम एस बैफ बीबीआई होते हैं बट ये कॉलेज कॉलेज टू डिपेंड करता है नॉट ऑल द आर कंडक्टिंग एंट्रेंस एग्जाम सो प्लीज फोकस ऑन योर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड बोर्ड एज वेल हाउ टू प्रिपेयर फॉर मास मीडिया के यू नो बैचलर्स एंड मास्टर्स के लिए फॉर द एंट्रेंस एग्जाम आपको वीडियो वो भी मिल जाएंगे चैनल पर प्लीज वो देख लीजिएगा

फीस फीस अगेन कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करते हैंजेज कमिंग टू दिलेबस नाउ सिलेबस की जब हम बात करें देर आर कॉलेजेस विच इज नोन एज ऑटोनॉमस कॉलेज ऑटोनॉमस कॉलेज का मतलब है लाइक फॉर एग्जाम्पल स रुआया देन यू टॉक अबाउट मतलब ये थोड़े से एग्जाम्पल मैंने दिए ये ऑटोनोमस कॉलेज है मतलब कि आपका जो सर्टिफिकेट आएगा आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वो मुंबई यूनिवर्सिटी से होगा लाइक दे आर स्टिल एफिलियेटेड विथ मुंबई यूनिवर्सिटी बट सिलेबस कैन बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड सिलेबस सो ऑटोनॉमस स्टेटस एक कॉलेज को जब मिलता है जब वो कॉलेज मतलब तीन बार नैक एग्रिटेशन में लाइक बोलता है ना ए प्लस ग्रेड लाता है. तो अगर ए प्लस ग्रेड लाया है उन्होंने तीन साल और वो ऑटोनॉमस हो गया तो दे कैन तो वो एफिलियटेड है बट इंडिपेंडेंट है एट द सेम टाइम तो दॉलेज दो यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट है वो आपको वैसा ही मिलेगा लाइक यू नो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबईटेड लाइक यू नो दॉलेज का नाम सो यस एफिलियटेड विध मुंबई यूनिवर्सिटी का मतलब ये हुआ एंड ऑटोनोमस का मतलब आपका सिलेबस स्ट्रक्चर ये सारी चीज़ें अलग होना अगर आपको ऑटोनॉमस नॉन ऑटोनॉमस में कंफ्यूजन है प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देना एंड आई ऑल्सो मेक अ वीडियो ऑटोनॉमस कॉलेज और नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज जिसके लिए आपको क्लियर हो जाए कि भाई ये ऑटोनॉमस कॉलेज है और ये नहीं तो वो भी आपको वीडियो और अपडेट चैनल पर मिल जाएगा सो वेन यू टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी ऑफ अपलाइंग इन मुंबई यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली आपको आपका बारहवीं पास करना होगा लाइक एच एस सी आप कोई भी बोर्ड से हो मिनिमम थर्टी फाइव परसेंट तो पासिंग है बट मोस्ट ऑफ द कोर्सेज विल आस्क फॉर फोर्टी फाइव परसेंट अबव आपका स्कोर होना चाहिए इन एच एस सी बोर्ड प्लस आप कोई भी बोर्ड से हो आप मुंबई यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो ओनली द डॉक्यूमेंट दैट यू रिक्वायर विल बी योर माइग्रेशन सर्टिफिकेट मतलब जो भी बोर्ड से आप आ रहे हो वहाँ से आपको माइग्रेशन uh, या ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेना होगा वो भी एडमिशन के बाद एडमिशन के पहले ये कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगती एडमिशन के पहले सिर्फ आपकी बेसिक डॉक्यूमेंट लगती है टेंथ स्टैंडर्ड मार्कशीट ट्वेल्थ स्टैंडर्ड मार्कशीट यू नो योर डोमिसाइल और सेट सर्टिफिकेट इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर दैट एंड ऑल योर प्रूफ लाइक बर्थ सर्टिफिकेट नेम एज एंड एवरीथिंग बस उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगती व्हेन यू आर अप्लाइंग इन द यूनिवर्सिटी सो देर आर सर्टेन डॉक्यूमेंटेशन द सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड यू नो वेन यू आर अप्लाइंग फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी और थोड़े बहुत एडिशन हो जाते हैं व्हेन यू गेट सिलेक्टेड इन द कॉलेज लाइक गैप सर्टिफिकेट वगैरह वो आपके सिलेक्शन के बाद लगता है तो ये वाले वीडियोस भी है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक डाल दूंगी आपको क्या क्या देखना है ऑल्सो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई पुट द लिंक ऑफ द मुंबई यूनिवर्सिटी का डिटेल्स एंड ऑल्सो दी डी एफ फाइल का लिंक यहाँ पे आपको ये भी मिल जाएगा कि मुंबई यूनिवर्सिटी में कौन से कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं ये पी फाइल है दो पेजेस की उसमें आप आराम से बैठ के देखिए कि आपको कौन सा कोर्स अप्लाई करना है तो आई ट्राई टू सम अप ऑल द हैल दैट यू मस्ट नो एज अ स्टूडेंट हु इज गोइंग टू अप्लाई इन मुंबई यूनिवर्सिटी फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कॉमेंट बॉक्स में लिख देना आई डेफिनेटली आंसर यू और यू नो आई मेक अ वीडियो सो दैट इट विल हेल्प लॉट ऑफ स्टूडेंट्स लाइक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेट यून फॉर लॉट ऑफ सच इफॉर्मेटिव ऑन मीडिया मेटेड डोंट फोर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब